हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ग्रेड स्टडी। आज अपन 12th मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शन मतलब फलन। तो फलन पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जिससे अपने को फलन समझने में आसानी हो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अंतराल। अंतराल क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उन अंतराल का क्या मीनिंग होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंतराल। बेसिकली ये तीन टाइप का होता है, जिसमें से सबसे पहला है बंद अंतराल। बंद अंतराल को इस टाइप से डिनोट किया जाता है। तो अब इसका मीनिंग समझते हैं, इसका क्या मीनिंग है। लेट कर लो के लिखा हुआ x बिलोंग्स टू बंद अंतराल a से b। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रेंज दे रखी है अपने को ए से लगा के बी में, तो इसमें ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है। अगर इसको अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए से बड़ा है एक्स और छोटा और बराबर है बी से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स है वो ए से बी तक है। तो देखो यहाँ से कहाँ तक है, ए से लगा के बी तक है, परंतु यहाँ पे ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल का साइन है। जैसे ही यहाँ पे आपको इक्वल का साइन दिखाई दे तो ये वाली जो नंबर दे रखा है ये भी इस रेंज में है और ये भी है। अगर इक्वल नहीं होता है तो उस वाले को अपन इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये वाला हुआ बंद अंतराल। दूसरा होता है खुला अंतराल। खुला अंतराल मतलब ओपन इंटरवल। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से। इसका क्या मतलब है, कहीं लिखा होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। इसको ऐसे पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। तो यहां पे देखो क्या मतलब है, ये रेंज दे रखी है अपने को a से b, तो इसमें a से b तक तो है परंतु a और b इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अपन इसको खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो a से बड़ा है x और छोटा है b से। तो यहां देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें a इंक्लूडेड है, इसमें a इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री की जो नंबर होती है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है, जबकि क्लोज इंटरवल बंद अंतराल होता है उसमें बाउंड्री की जो नंबर दे रखी है वो भी इंक्लूडेड होती है। तीसरा जो टाइप है वो है आधा बंद आधा खुला। आधा बंद आधा खुला, हाफ सेमी क्लोज सेमी ओपन। इसका मतलब ये टाइप से हो सकता है, या तो एक होगा वो ओपन होगा और दूसरा क्लोज होगा, या इस टाइप से। देखो इसका मतलब क्या हो, अगर मैं यहां से लिखता हूं x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रेकेट a टू ओपन ब्रेकेट b, तो यहां से इस वाले रेंज दे रखी है उसमें a तो इंक्लूडेड है मगर b इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अपन इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a से बड़ा और बराबर है x और छोटा है बी से। यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, मतलब सॉरी ओपन इंटरवल है, इसीलिए ये वाला इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। परंतु ए पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब ए इसमें इंक्लूडेड होगा। या फिर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू क्लोज इंटरवल बी। तो यहां से अपन क्या, इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए से बड़ा है, केवल बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, ओपन इंटरवल है एक्स और छोटा और बराबर है बी से। तो ये इसका मतलब हो गया। तो अपने ये चीज पढ़ ली, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ काम आता है, चलिए देखते हैं। पूरे फंक्शन में कहीं ना कहीं ये अपने को सब जगह देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टेंथ में भी आपने देखा होगा ये चीज आपको देखने को मिली थी जब अपन ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसकी एक आपको एप्लीकेशन करके बताऊं, तो लेट कर तुम्हें ये सॉल्व करना है, फाइव एक्स प्लस कोई भी एक असमिका लिख देते हैं, थ्री इज ग्रेटर देन फाइव।
अब यानी मैं देखो सबसे पहले ध्यान क्या देना है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन लगाया, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5x ये प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। अब ये 5 मल्टीपल में तो x इज ग्रेटर देन 2/5। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, अब अपने को पता है संख्या रेखा कहां से कहां तक होती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होती है, ठीक है। तो यहां से ये क्या कह रहा है, x है वो 2/5 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब लेट कर लो यहां पे 2/5 है, तो इस वाले की बात कर रहा है, परंतु क्या है? ये इंक्लूडेड है डाटा, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए ये वाली संख्या इंक्लूडेड नहीं होगी। तो ये वाली रेंज होगी तो इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू यहां पे 2/5 किस ब्रैकेट के साथ आएगा, ओपन ब्रैकेट के साथ, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, इक्वल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन है, से लगा के ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी। तो अगर अपन इस चीज को सॉल्व करते हैं तो या तो ये लिखो या ये लिखो, तो इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करना अपन ने सीखा, ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि समझ में आ जाए। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लेट कर लो मैं लिखता हूं 4x-3/5+9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3+4x/3। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x वाले टर्म्स को इक्वलिटी एक साइड ले लेते हैं, बाकी वाले को एक साइड। तो लेट कर लो ये क्या आ गया, 4x-3/5। अगर यहाँ पे ये 4x+3 प्लस का इधर गया तो माइनस का, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये इधर आ गया तो -9। तो यहां से देखो अपन इसको और सॉल्व करेंगे तो 15 3 12x-9, अब माइनस का साइन 20x, ये आ गया -6, ये कितना हो गया 12, और ये हो गया -8x-9 ग्रेटर देन इक्वल माइनस, अभी मैं इसको इस साइड गुणा कर देता हूं तो 90। तो यहां से ये क्या आ गया, ये मैं इसको इस साइड भेज देता हूं तो 8x माइनस का 8x, ये इधर गया तो प्लस का हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया माइनस प्लस, तो ये हो गया 90 माइनस का प्लस 9, तो -8x ग्रेटर देन इक्वल टू -81। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पूरा का पूरा माइनस से गुणा कर देता हूँ, तो अपन को ये पता है कि जैसे ही माइनस से गुणा करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 8x लेस देन इक्वल टू 81। अब ये मल्टीपल में तो x इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 81/8। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको अपन ब्रैकेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 81/8। तो यहां से एक चीज तो यहां पे ये दिखाई दे रही है, इसमें इक्वल भी इंक्लूडेड है, x इज लेस देन इक्वल टू 81/8। तो यहां पे अपन को क्या करेंगे, इस वाली जो संख्या दे रखी है इसको भी शामिल करेंगे। तो यहां पे अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं तो ये लेट कर लो ये है 81/8, तो इससे छोटा, मतलब इस साइड की बात कर रहा है, परंतु ये वाला इसमें इंक्लूडेड है, तो ये कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी से। तो अपन ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 81/8, ये इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, और जैसे ही ये वाला नंबर इंक्लूडेड है तो अपन क्या लगा लेंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो यहां पे इसको क्या शो कर लेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लगा के 81/8। तो यहां से अपन ने नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, और इनका कैसे एप्लीकेशन होता है इन ब्रैकेट का वो अपन ने सीखा। नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं अपन, नंबर सिस्टम,
जो अपने फिर काम आएगा कि पूरी फंक्शन में कितने टाइप के नंबर होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। चलिए, संख्या निकाय या नंबर सिस्टम। सबसे पहले अपनी पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। कौन सी प्राकृत संख्या है? नेचुरल नंबर जिसको अपन किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। आप सबको पता है एन कहां से शुरू होती है, वन से शुरू होती है, वन टू थ्री से लगा के चलती जाती है। ये क्या है? प्राकृत संख्या है। दूसरी अपन बात करेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। इसको अपन क्या करते हैं, W से शो करते हैं। ठीक है, ये N है तो ये कहां से, नेचुरल नंबर में अपन क्या कर लेते हैं, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है, परंतु जैसे ही नेचुरल नंबर में मतलब प्राकृत संख्या में जीरो इंक्लूडेड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, जीरो वन टू थ्री सो वन। ये क्या हो गई अपने पास, हो गई पूर्ण संख्या। तीसरी बात करेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ठीक है, इंटीजर नंबर। इसको आई या जेड दोनों से अपन डिनोट कर सकते हैं, या तो आई से डिनोट करो या जेड से, तो आई और जेड दोनों से डिनोट किया जाता है। तो ये कहां से, देखो इसमें क्या है, माइनस वाली भी संख्या इंक्लूडेड हो जाती है, तो ये कहां से कहां तक होगी, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। मतलब सारी की सारी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, सारी की सारी संख्या इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ बात करूं i पॉजिटिव, इंटीजर पॉजिटिव, तो वो कौन सी हो जाएगी, वन टू थ्री, ये सारी की सारी क्या है, i पॉजिटिव। i नेगेटिव की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू, ये सारी। i नोट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, i में से अगेन क्या करेंगे, जीरो को माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आई नॉट। मतलब पूरे इंटीजर नंबर है इसमें से जीरो इंक्लूडेड नहीं है, वो क्या हो जाएगा, आई नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर की बात करें, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या है रियल नंबर, आर से डिनोट किया जाता है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, आर से। आपको पता है आर कहां से कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से लगा के प्लस इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं, वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर होते हैं। इसमें भी आर प्लस की बात करें तो वो कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले, जीरो से इन्फिनिटी। आर नेगेटिव की बात करें तो वो कौन से होंगे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाले। अगर अपन आर नॉट की बात करें तो आर में से किसको माइनस कर लेंगे, जीरो को माइनस कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास नंबर सिस्टम की कुछ चार टॉपिक हो गए। पांचवा परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है, ये सब जानते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को अपन क्या लिख सकते हैं, P बटा Q रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q दोनों क्या है, इंटीजर है, और Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे दो बटा एक, पांच बटा दो, ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट अपन बात करें वो कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
और प्रीमेय संख्याएं कौन सी है जिनको अपन पी बटा क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या है? अप्रीमेय संख्या है, कंडीशन सेम रहेगी जहां पे पी और क्यू किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, अपने को पता ही है जैसे पाई है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, अप्रीमेय संख्या है। तो अपन ने थोड़ी सी बेसिक नंबर सिस्टम को समझा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या, ठीक है। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, फलन। तो बेसिकली 11th में अपन ने बहुत कुछ पढ़ाया फलन के बारे में, डेफिनेशन, उनके कुछ फंक्शन के ग्राफ भी बनाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें काम आएगी। एक फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सारे फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्राफ बहुत अच्छे से आने चाहिए, वो सारे सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फलन के बारे में पढ़ना। फलन, चलिए देखते हैं फलन क्या होता है। फलन को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, फलन एक मशीन टाइप से है। जैसे अपने घरों में सबने मिक्सर देखा होगा, जूसर, है ना, तो वो क्या करता है, जूस बनाता है जूसर से अपन सीधे सीधे। तो यहाँ पे जूसर को समझने से पहले दो चीज समझते हैं, जूसर क्या है, एक मशीन है, ठीक है, उसमें अपन क्या डालते हैं, जो भी फ्रूट है अपने पास जिसका अपने को जूस बनाना है वो डालते हैं, और अपने पास क्या बन के तैयार हो जाता है, जूस तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे तीन चीज है, एक तो अपन ने रॉ मटेरियल डाला, ठीक है, वो क्या है, इनपुट है, उसके बाद उस जूसर ने अपना काम किया और जूस बनाया, ठीक है, वो मशीन हो गई, और अपने को क्या मिला, जूस मिल गया, तो वो क्या गया, आउटपुट। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट, मशीन और आउटपुट। तो ठीक ऐसे इसी लॉजिक से अपन समझेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक ऑपरेशन ऑपरेट करता है, उसको कुछ रॉ मटेरियल या इनपुट मिलता है, उसको ऑपरेट करता है और आउटपुट दे देता है। तो ठीक यहाँ पे अपन समझते हैं, तो यही क्या है, जो ये फंक्शन है, जैसे कोई एक मशीन है ये वाला, ठीक है, एक मशीन है, यहां पे अपन ने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया, ठीक है, और यहां से क्या मिल गया अपने को, आउटपुट मिल गया। तो फंक्शन की टर्म में अपन फलन की टर्म में बात करें, तो ये जो इनपुट है ये क्या कहलाता है, अपने प्रांत या डोमेन, ठीक है, यहां से, उसके बाद जो आउटपुट है ये क्या कहलाएगा, सह प्रांत या कोडोमेन, ठीक है। तो बेसिकली अपन इसी फंडे से पूरे पूरे फंक्शन को समझेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया कि फंक्शन भी क्या है, एक मशीन की तरह ऑपरेट करता है, उसमें कुछ इनपुट मिलते हैं, वो कुछ आउटपुट दे देता है, ये इनपुट क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, और आउटपुट क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। अब इसको समझने से देखिए, दो टाइप से अपन समझेंगे, अगर अपन, चलिए ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा। अब अगर अपन मैथ्स की लैंग्वेज में देखेंगे तो क्या कहेंगे, कि किसी भी एक सेट से दूसरे सेट में कैसे फलन परिभाषित होता है, तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले फलन समझने से पहले क्या समझते हैं, सेट समझते हैं। तो सेट मतलब समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, तो कुछ चीज होती है जो कि क्या है, वेल डिफाइंड होती है, उन चीजों का जो कलेक्शन होता है वो क्या है, सेट कहलाता है। यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे एक चीज डिनोट करने वाली, नोट करने वाली चीज क्या है, कि वेल डिफाइंड मतलब सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सुपरिभाषित, अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए, तभी सेट परिभाषित होता है। तो अपन क्या कहेंगे, लेट कर लो इसको सबसे पहले मैपिंग से समझते हैं। माना मेरे पास एक सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये क्या है, सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, लेट कर लो 1, 2, 3 और 4, और सेट बी में कुछ एलिमेंट है, लेट कर लो 1, 4, 9, 16, 25।
तो यहाँ से दो सेट अपने को दिखाई दे रहे हैं, सेट ए से, सेट ए और सेट बी। तो यहाँ से अपन देखते हैं तो फलन क्या है, ए से बी में कैसे डिफाइन होता है फलन। तो यहाँ से लेट कर लो ये फलन डिफाइन किया है, तो मैं इस टाइप से लेट कर लो ये ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये ए से बी में एक परिभाषित फलन है, इसका मतलब क्या हो? अब यहाँ से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या है, एक का वर्ग है, ये दो का वर्ग है, ये तीन का वर्ग है, ये चार का वर्ग है। तो ये क्या है, एक फलन है, इसका मतलब सबके साथ एक जैसा ही ऑपरेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये मशीन है, ये इनपुट दिया, ये अपने को आउटपुट दे रहा है, परंतु ये किस टाइप से काम कर रहा है, ये इस टाइप से काम कर रहा है, जैसे ही कोई भी इनपुट देते हैं तो इसका स्क्वायर करके बाहर दे देता है। कैसे, वन दिया तो क्या मिल गया, वन का स्क्वायर वन, टू दिया तो क्या दे दिया फोर, थ्री दे दिया तो क्या दे दिया नाइन, फोर दे दिया तो क्या दे दिया सिक्सटीन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले से समझें, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो सेट ए है, कौन सा वाला सेट ए, ये जो सेट ए है क्या है, ये इस फलन का क्या है, डोमेन है, मतलब प्रांत है। ये क्या है, इसका डोमेन है, मतलब प्रांत है। और ये जो सेट बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेट बी क्या है, आउटपुट, और इसको अपन क्या कहते हैं, कोडोमेन, मतलब सह प्रांत। ये क्या है, सह प्रांत है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है कि यहाँ पे इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट खाली भी पड़ा है, जैसे ये 25, तो कुछ एलिमेंट इसके क्या है, जुड़े हुए। अगर इसको अपन फंक्शन की डिफिनेशन में कहेंगे तो ये क्या है, ये इसका प्रतिबिंब कहलाता है, मतलब एक का प्रतिबिंब ये, दो का प्रतिबिंब ये, तीन का प्रतिबिंब ये, चार का प्रतिबिंब, इमेज। और ये इसका पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, क्या कहलाता है, प्री इमेज, मतलब एक का क्या है, एक का प्री इमेज क्या, वन, चार का टू, नाइन का थ्री, सिक्सटीन का फोर, या पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया। और जितने एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिसर या रेंज। तो यहाँ पे रेंज की बात करें तो पहले इसको सेट में लिख लेते हैं, तो इसका जो डोमेन है प्रांत है, तो प्रांत क्या हो जाएगा, देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट, तो कैसे लिखेंगे, वन टू थ्री और फोर, ये इसका क्या हो गया, इस फलन का क्या हो गया, प्रांत हो गया। दूसरा, अगर मैं बात करूं सह प्रांत, तो सह प्रांत क्या हो गया, इस वाले सेट बी में कितने सारे एलिमेंट है, वो सारे के सारे किस्म आ जाएंगे सह प्रांत में। ठीक है, तो क्या क्या है, वन फोर नाइन सिक्सटीन एंड 25, तो ये क्या आगे सह प्रांत। अब यहाँ पे इसमें से सारे के सारे एलिमेंट तो कनेक्टेड नहीं है, तो जितने सारे एलिमेंट कनेक्टेड है वो क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं, मतलब रेंज। तो यहाँ पे इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, वन फोर नाइन एंड सिक्सटीन, ये क्या हो गया, फलन हो गया, इसका परिसर हो गया इस फलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फलन का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। एक बार दोबारा से देखेंगे तो क्या देखेंगे, कोई भी फलन ए से बी में परिभाषित है तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो उसके क्या कहलाते हैं, प्रांत या डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन या सह प्रांत कहलाते हैं। यहाँ पे ये क्या है, इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, और जनरली अपन इनपुट को x से डिनोट करते हैं और आउटपुट को y से, फंक्शन की लैंग्वेज में अपन यही डिनोट करते हैं, क्या ये x है, ये y है। ठीक है, चलिए ये तो अपन कुछ टॉप पॉइंट हो गए फंक्शन के आ रहे फलन के बारे में। अब अपन चेक करते हैं कि कौन सा फलन है या कौन सा फलन नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि यहाँ पे इसका एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है। तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि इसी भी सेट में जो सेट ए दिखा दे रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं प्रांत का, तो प्रांत का कोई भी एलिमेंट है तो उसके दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ठीक है, कैसे,
लेट कर लो ये कोई फलन दे रखा है, ठीक है, ये भी फलन दे रखा है, ये एक है, ये दो है, यहाँ पे दे रखा है 2, 4, 9, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ, ये वन है वो वन से कनेक्टेड है, ठीक है, अगर यहाँ पे 1, 4 से कनेक्ट भी हो जाता है तो अपन कहेंगे ये वाला फलन नहीं है। क्यों? देखो इसको समझते हैं पहले कि किसी भी चीज़ अपन, जैसे कि अपन ने मिक्सर की बात की या जूसर की बात की, तो अपन ने क्या डाला, कुछ रॉ मटेरियल डाला, तो उसी रॉ मटेरियल का क्या मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे क्या, दो आउटपुट कभी भी पॉसिबल नहीं है। कैसे? अगर लेट कर लो मैंने फंक्शन को डिफाइन किया कि ये फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट है, अगर 2 से इसके इमेज की बात करें, अगर इसका इमेज मोर देन 1 है तो वो फलन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। इसका उल्टा हो सकता है, अगर मैं ये बात करूं इसके दो, इसके जो एलिमेंट है, ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट है, इन 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब जरूर हो सकता है, ठीक है, यहाँ दोनों में फर्क है, ये फलन नहीं है, ये वाला जो ऊपर दिखाई, ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं मैपिंग, ठीक है, मैपिंग सिस्टम से समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट में जितने भी नंबर दे रखे हैं उसके 2 इमेज नहीं हो सकते, मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट दे रखा है उसके 2 इमेज नहीं हो सकते, परंतु अपन ये कह सकते हैं कि 2 इनपुट के एक ही इमेज हो सकता है। कैसे? लेट कर लो ये क्या है, एक्स स्क्वायर टाइप है, तो ये मैं अगर बात करूँ तो -1, अगर फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर टाइप का है तो आउटपुट में क्या दे देगा, +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या होता है +1, और अगर मैं दूसरा इनपुट दे देता हूँ +1 तो इसको भी फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या दे देगा +1, और अपने को पता है सेट में कभी भी 2 बार सेम संख्या नहीं लिखते हैं, उसी को एक बार ही लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये -1 है, ये +1 है, और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो ये क्या मिल जाएगा +1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये फलन है, ये वाला फलन नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज यहाँ पे हो गई। चलिए, ये कुछ फंक्शन के बारे में अपन पॉइंट नोट कर रहे थे, डोमेन हो गया, प्रांत, रेंज, परिसर, और ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। चलिए, अब 11th क्लास में अपन ने सब कुछ निकालना सीखे थे, डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी फलन की, ठीक है, तो थोड़ा सा डोमेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा डोमेन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। चलो, अब दूसरा एक और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अपन ने अभी इनपुट और आउटपुट की बात की, तो फंक्शन की कंडीशन पढ़ रहे थे कि किसी भी सेट जो अपने को इनपुट सेट दे रखा है, इनपुट सेट के क्या है 2 इमेज नहीं होने चाहिए। इसी टाइप से एक दूसरा पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है कि लेट कर लो इसमें कितने एलिमेंट है, लेट कर लो 3 अवयव है, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ये सेट कब होगा, जब इस वाले इनपुट सेट का, जैसे कि ये सारे के सारे जुड़े हुए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखा ये वाला जो इसका कोई भी, ये इस वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट यहाँ पे खाली पड़ा है, तो ये वाला फलन नहीं होगा। क्यों? समझते हैं इसको। अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक जूसर टाइप मशीन है, ठीक है, तो लेट कर लो 2 अलग अलग फ्रूट डाले तो उसका तो उसने जूस बना दिया, तो जैसे ही तीसरा फ्रूट डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका भी जूस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पे नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो एक मशीन नहीं है, ठीक है। तो ठीक इसी टाइप से अपन समझेंगे कि जब भी इनपुट में से कोई भी एलिमेंट खाली रहता है तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो अगर कोई भी पूछे तो क्या आपसे इस प्रकार से मैपिंग डायग्राम देके पूछे कि क्या ये फलन है, तो अपन कहेंगे ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट में जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट खाली है, जिसका कोई भी प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये क्या है, फलन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन डोमेन की बात करने जा रहे थे, तो डोमेन को समझना जरूरी है, तो यहाँ पे अपन ने किसका नाम डोमेन दिया, इनपुट,
ठीक है, तो अपन ने ये भी लिखा है कि इनपुट को अपन किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो अपन डोमेन की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगी कि एक्स के वे सभी मान, एक्स के अगर अपन लिखेंगे प्रांत, किसकी बात करते हैं, प्रांत मतलब डोमेन। तो डोमेन का क्या मतलब हुआ, एक्स के वे सभी मान जिन पर फलन परिभाषित है, जिन पर फलन परिभाषित है, क्या कहलाता है, फलन का प्रांत कहलाता है। एक्स के वो सारी वैल्यू प्रांत में आएगी जिन पे फलन क्या है परिभाषित होना चाहिए, वो क्या है उसके डोमेन में आएगा। जैसे अपन 11th में डोमेन निकालना सीखा था, लेट कर लो फंक्शन, सबसे पहले क्या है वाई इज इक्वल टू रूट एफ एक्स है, पहला क्या है वाई इज इक्वल टू रूट एफ एक्स है। तो ऑब्वियसली बात है अपने को पता है रूट में सिर्फ और सिर्फ क्या है पॉजिटिव नंबर ही चलते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं इसमें एफ एक्स है वो क्या होगा चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जो यहाँ पे सॉल्व करके अपन जो एक्स के मान निकालेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, डोमेन या प्रांत हो जाएगा। अगर आपको ऐसा दिया है वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स, तो अब अपने को पता है कि नीचे जब भी इस टाइप से दे रखा होता है कि नीचे वाली संख्या में जब भी जीरो हो जाता है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो क्या है ये वाली जो जीरो हो जाती है तो जब भी अपन क्या करते हैं इन्फिनिट हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है परिभाषित नहीं होगा। तो अपन सीधा सीधा क्या लिखेंगे एफ एक्स वुड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो फलन है ये फलन क्या है हर में दे रखा है, तो किसी भी संख्या का हर जीरो नहीं होना चाहिए अगर उसको परिभाषित करना है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते तो क्या इन्फिनिटी बन जाता है, इन्फिनिटी अपने आप में परिभाषित नहीं होता है। तो अपन सीधा सीधा क्या लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था जिन संख्याओं को क्या लिखते हैं p बटा q रूप में लिखते हैं, तो वहां पे अपन ने क्या कंडीशन डाली थी q वुड नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही किसी संख्या में जीरो को भाग देते हैं तो वो किसकी ओर अग्रसर हो जाती है, अनंत की ओर, ठीक है। इसीलिए अपन क्या लिखेंगे एफ एक्स वुड नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से अपन सॉल्व करके क्या निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और वो एक्स की वैल्यू उसका क्या कहलाएगी, डोमेन, ठीक है। ये पहला केस, ये दूसरा केस। अगर मैं तीसरा केस की बात करूं, अगर मेरे को ऐसा दिया जाए रूट एफ एक्स, इस टाइप से फलन दिया जाए और पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या है, तो अपन सीधा सीधा क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे दो चीज दे रखी है, ये जो फलन दे रखा है रूट में भी दे रखा है और हर में भी दे रखा है, तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि रूट में जो भी संख्या होती है कब परिभाषित होती है, जीरो या जीरो से बड़ी, और दूसरा क्या है यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये भी नोट करने लायक है कि यहाँ पे हर में दे रखा इसलिए जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए, जीरो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे देखो, ये देखो इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। मतलब जीरो या जीरो से बड़ी, यहाँ पे जीरो या नहीं आएगा, जीरो से बड़ी संख्या है, तो ठीक है यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई हो गए। कैसे, कि यहाँ पे एफ एक्स सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या लेता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है क्या जीरो से बड़ी है, इसका मतलब स्क्वायर रूट तो अपने आप सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। दूसरा ये क्या हर में दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या अपने यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वल का साइन लगाते तो जीरो इंक्लूडेड होता, अगर यहां पे इक्वल साइन नहीं लगा इसलिए ये जीरो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये कंडीशन लगा के अपन इसका क्या निकालेंगे, डोमेन या प्रांत निकालेंगे। तो ये तीनों केस अपन ने पढ़ लिए, ठीक है, और निकालना भी सीखे थे। कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए कि डोमेन कैसे निकालते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू रूट
फाइव माइनस टू एक्स, ये कोई फलन दे रखा है वाई इजिकल टू रूट फाइव माइनस टू एक्स और पूछा है कि इसका प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा। तो अपन अभी देखेंगे कि ये क्या है, रूट एफ एक्स टाइप का फलन है, क्या है रूट एफ एक्स का। और अभी अपन ने डोमेन निकालने की कंडीशन क्या देखी कि जब भी रूट में होता है तो क्या होना चाहिए, ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, ये मेरा एफ एक्स आ गया तो फाइव माइनस टू एक्स वुड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस टू एक्स इधर चला जाएगा तो टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू फाइव बाई टू। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो रही है, एक तो क्या है इक्वल का भी साइन है और लेस का भी साइन है। तो अपन यहाँ पे ये कहेंगे कि पाँच बटा दो से या उससे छोटा, परंतु तो इसमें क्या है पाँच बटा दो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ तक, छोटा मतलब कहाँ, पाँच बटे दो। अगर मैं संख्या रेखा की बात करूँ तो ये संख्या रेखा है, ये क्या है माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ कहीं होगा पाँच बटा दो, और ये क्या कह रहा है पाँच बटा दो या उससे छोटा। तो इस साइड की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से पाँच बटा दो। यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज ब्रेकेट आएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसे होता तो ये क्या आता है ओपन ब्रेकेट आता है, क्या आता अपन, तो यहाँ पे क्या इक्वल का साइन है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी लगा के फाइव बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया, अब एक और एग्जाम्पल अपन और करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए y इज इक्वल टू log 3 माइनस बॉक्स ऑफ x, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन यानी प्रांत निकालना है। तो यहाँ पे दो चीज आपको दो फलन दे रखे हैं, एक तो log फंक्शन भी है और log के अंदर क्या दे रखा है, ठीक है, बॉक्स फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, ये भी अपने को इसके अंदर दे रखा है। चलिए तो यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, log का ग्राफ अपन 11th पढ़ा था, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। log का ग्राफ इस टाइप से होता है, एक ये होता है एक ये होता है, ठीक है। ए इज ग्रेटर, यहाँ पे अपन बेस क्या लेते हैं, log a बेस x लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, a इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, a ग्रेटर देन वन है, और ये क्या है जीरो से वन के बीच वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्राफ होता है तो अपन को पता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, log कौन कौन सी वैल्यू लेता है, r पॉजिटिव लेता है नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है r पॉजिटिव वाली वैल्यू लेता है। इसका मतलब ये जो इसका जो इनपुट है ये क्या है, इसका इनपुट है किसका, log का इनपुट है। तो log का इनपुट का क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जीरो पे तो क्या बन जाता है इन्फिनिटी। अभी अपन ने देखा ये क्या है जीरो पे तो कहाँ पे टच करेगा, अनंत पे टच करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसका इनपुट क्या हो गया, ये वाला हुआ ही नहीं हुआ, यहाँ से लगा के यहाँ तक मतलब जीरो से लगा के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, ये वाला जो इनपुट है 3 माइनस बॉक्स ऑफ x वुड इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, क्यों, जीरो पे क्या बन जाता है अनंत बन जाता है। इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसका जो डोमेन अपन लेंगे वो क्या होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं इसको इस साइड लेता हूँ तो बॉक्स x लेस देन 3, और आपको पता है बॉक्स x की मतलब ये क्या है महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन है। आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या आउटपुट देता है, इंटीजर। तो यहाँ से लेस देन 3 इसका मतलब क्या, अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि 3 से छोटा इंटीजर। आपको सीधी सी बात पता है, अगर संख्या रेखा की बात करें तो 0, 1, 2 और 3। अगर यहाँ पे इंटीजर की बात करें, बॉक्स ऑफ सिर्फ क्या लेता है इंटीजर देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 से छोटा, ठीक है, क्या यहाँ पे क्या लिखा है बॉक्स x लेस देन 3, तो सीधा सीधा किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, वो किस पे आ जाएगा 2 पे। या फिर अपन इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू
क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लगा के 3, और 3 किस में आएगा, ओपन ब्रेकेट के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका जो इनपुट है x जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3। तो इस तरह से हम अपने 11th में ये सारी चीज़ें सीखी थी कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है।